डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सजेशंस एट योर डोर। आज के षष्ठ श्रेणी परिवेश और विज्ञान विषय रायोमैटिन प्रश्न विचित्र तृतीय पर्यक्रमिक मूल्यायन तीन नम्बर स्कूल विधाननगर गवर्नमेंट हाई स्कूल समस्त एक नम्बर प्रश्न आंसर नहीं आलोचना करब। ताहले चलो भिडियोटर मूल अंशे जावा जाक। एक त्यागे प्रथम प्रश्न आछे कोन राशिटी मौलिक राशि आयतन क्षेत्रफल बेग भर आंसर है भर ऑप्शन डी। डेकामीटर एकक चिन्ह डीएम डीईएम डीएएम डीसीएम आंसर है ऑप्शन सी डीएएम। एम्पियर कौन राशि एकक आलोर तीव्रता दैर्घ्य तड़ित प्रवाह तड़ितर परिमाण आंसर है ऑप्शन सी तड़ित प्रवाह। मैंगानीज मौलेटर चिन्ह हलो एम जी एन एम एन एम ओ आंसर है एम एन। कौनटी मौलिक पदार्थ जल गंधक चीनी नून आंसर है ऑप्शन बी गंधक। पुकुरेर जले कौन गैस द्रवीभूत थाकार जोन्नो माछ और अन्यान्य जलज प्राणी बेचे थाके कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजेन अक्सिजेन हिलियम आंसर है ऑप्शन सी अक्सिजेन। तड़ित शक्ति थेके ताप शक्तिते रूपान्तरेर उदाहरण कौनटी कयला पोड़ानो ताराबाती चालानो बैटारी चालित रेडियो चालानो इलेक्ट्रिक इस्त्री चालू करा आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक इस्त्री चालू करा। बलेर एसआई एकक हलो डाइन जूल न्यूटन आर्ग आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन। कौनटी पेट्रोलियम थेके पावा जाए ना डिजेल पेट्रोल केरोसिन पारमाणविक शक्ति आंसर है ऑप्शन डी पारमाणविक शक्ति। कौनटी जटिल यंत्र कड़ात शाबल काची सेलाई यंत्र आंसर है ऑप्शन डी सेलाई यंत्र। कौन श्रेणी लिभारे आलम्ब बाधा और बलर माझामाझी आलम्ब बाधा और बलर माझामाझी जगह थाके प्रथम द्वितीय तृतीय प्रथम और तृतीय आंसर है ऑप्शन ए प्रथम। नततलर सुविधा कौन क्षेत्रे पावा जाए ना आका बाका पथे पहाड़े उठा ड्राम गड़िए ओपरे तोलार जोन्नो हेलानो काठेर तक्तार व्यवहार खाड़ा गाच बे ओठा सीढ़ी बे छादे ओठा आंसर है ऑप्शन सी खाड़ा गाच बे ओठा। एबार आमरा चले जाब दुई दागे प्रश्ने नीचे प्रश्नगुलिर संक्षिप्त उत्तर दाओ। तरलेर आयतन मापा है आयतन मापनी चोंगेर साहाज्ये क्षेत्रफलेर एसआई एकक लेखो क्षेत्रफलेर एसआई एकक हलो मीटर स्क्वायर। सदा फसफरसेर पारमाणविकता कत सदा फसफरसेर पारमाणविकता हलो फोर। पाथुरे चुने की मौलेर परमाणु थाके पाथुरे चुने क्यालसियम कार्बन डाइऑक्साइड देखो पाथुरे चुन के जो उत्तप्त करी ताहले पोड़ा चुन एवं कार्बन डाइऑक्साइड पाबो किन्तु एखाने बोले छे पाथुरे चुने की मौलेर परमाणु थाके ताहले बोलबो जे क्यालसियम और कार्बन मौलेर परमाणु थाके। खरस्रोता नदी स्रोते टारबाइन यंत्र बसिए दिले कोन शक्ति उत्पन्न हय जलविद्युत शक्ति। स्पर्शहीन बलेर एक उदाहरण दाओ महाकर्ष बल। स्क्रूयर गाए जे धातुव प्याज थाके ता आसले एकटी नततल जे बिंदुके केंद्र करे लिफार अबाधे घुरते पारे ताके बोले ताके कि बोले जे बिंदुके केंद्र करे लिफार अबाधे घुरते पारे ताके आलम्ब बोले। एबार आमरा चले जाब लाइफ साइंसे एक दागे प्रथम क्वेश्चन आछे चून जातीय पदार्थ दिए खोलक गठन करे मोलास्का एनिलिडा प्लैटिहेलमिंथेस आर्थ्रोपोडा आंसर है ऑप्शन ए मोलास्का। जले रेशम एक धरनेर छत्राक एक धरनेर श्यावला एक धरनेर मस एक धरनेर फार्न आंसर है ऑप्शन बी एक धरनेर श्यावला। मौमाछिर नाचेर भाषा आविष्कार करें चार्ल्स डार्विन जेन गुडल कार्ल फन फ्रिश गोपाल भट्टाचार्य आंसर है ऑप्शन सी कार्ल फन फ्रिश। प्रदत्त जे रोगटी मशा द्वारा छड़ाय ना सेटी हलो मैलेरिया डेंगी फाइलेरिया टाइफएड आंसर है ऑप्शन डी टाइफएड। प्रदत्त जे वर्ज्य पदार्थटी चाषेर जमी थेके पावा जाय ता हलो प्लास्टिक ब्लास्टर डीडीटी पचा सब्जी आंसर है ऑप्शन सी डीडीटी। दुई दागे रहेछे शून्यस्थान पूरण करो ब्याक्टेरियार राज्यर नाम ब्याक्टेरियादेर राज्यर नाम हलो मोनेरा। पाइन एकटी ড্যাশ উদ্ভিদ পাইন একটি ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ। গোপাল ভট্টাচার্যের লেখা বিখ্যাত বই হলো বাংলার কীট পতঙ্গ। ফুলের মধ্যে যে মিষ্টি রস থাকে তা হলো নেকটার। প্লাস্টিক হলো ড্যাশ বর্জ্য পদার্থ প্লাস্টিক হলো অভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থ।
এবার আমরা চলে যাব তিন দাগের প্রশ্নে। বাম দিক ও ডান দিক মিলিয়ে লেখো। বাম দিকে আছে এডিস মশা, এডিস মশার সাথে মিলবে ডেঙ্গি। পক্ষী বিজ্ঞানী হলো সালিম আলী, একাইনোডার্মাটা, স্টারফিস, ইউগ্লিনা, প্রোটিস্টা, জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থ, কলার খোসা। তাহলে আমাদের বাদ থাকছে ম্যালেরিয়া, ওটার সাথে এখানে কোনো অপশনের মিল নেই। চার দাগে প্রশ্ন আছে বাঘের বৈজ্ঞানিক নাম লেখো, প্যান্থেরা টাইগ্রিস। আর সাইন্টিফিক নেম লেখার সময় নিচে দাগ দিয়ে লিখতে হয়। কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের একটি বৈশিষ্ট্য লেখো। কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে এদের দেহে নোটোকট দেখা যায়। ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের একটি পার্থক্য লেখো। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের বীজ সবসময় উন্মুক্ত থাকে, কিন্তু গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বীজ সবসময় ফলের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ব্যক্তবীজের আমরা একটা উদাহরণ বলতে পারি, ব্যক্তবীজের উদাহরণ পাইন, পাইন গাছে দেখা যায় সাইকাস পাইনাস এগুলো। আর গুপ্তবীজ উদ্ভিদ হলো আম, জাম। এবার আমরা চলে যাব পরের প্রশ্নে। সেলুলোজ পরিপাক করতে পারে কোন প্রাণী? সেলুলোজ পরিপাক করতে পারে উই পোকা। হাতির সুর আসলে কি? হাতির সুর হলো হাতির দেহের সবথেকে মজার অঙ্গ। এই ছিল আজকের ভিডিও। এর পরের স্কুলগুলোর আনসার খুব শীঘ্রই এই তোমরা দেখতে পাবে আমাদের চ্যানেলে। আমরা সেই ভিডিও খুব শীঘ্রই আমাদের চ্যানেলে আপলোড করব। এছাড়া গণিত ও ভূগোল বিষয়ের বিভিন্ন স্কুলের এর প্রশ্নপত্রের সমাধান আমরা করেছি, তোমরা আমাদের চ্যানেলে গিয়ে দেখে এসো। এছাড়া আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কও দিয়ে দেবো, তোমরা সেখানে গিয়েও দেখে নিতে পারো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।